उदयपुरवाटी क्षेत्र के देवपुरा में एक ई मित्र संचालक से मारपीट कर 4 लाख रुपए की लूट करके आरोपी फरार हो गए। घटना सोमवार देर रात की है, जिसमें बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने दुकानदार मंगलचंद सैनी, मनीष अग्रवाल के साथ जमकर मारपीट की और पैसों से भरा बैग छीन करके फरार हो गए। घायल मंगलचंद सैनी, मनीष अग्रवाल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस को सूचना दी, इसके बाद चौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। वहीं आज सुबह लूट की घटना के बाद व्यापारियों ने घटना का विरोध जताते हुए बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया और टायर जलाकर सड़क जाम कर दी। मामला ये है, जो ई मित्र का काम करते हैं, दो लड़के थे, दीपुरा के थे, तो एक चौरा चौकिया में रहते थे। चौरा चौकिया वो कैश लेके जा रहा था यहाँ से, और रास्ते में चौकिया से 1 किलोमीटर आगे जाकर के दो तीन बदमाशों ने मिलकर के उनके साथ में मारपीट की, उनके पैसे निकाल कर ले गए। ये 8:30 बजे की घटना है। पुलिस प्रशासन ये एकदम नकारा है। पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं है, नहीं पुलिस प्रशासन की कोई, जो पहले भी कोई घटना हुई है उसमें भी उसने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और जो भी लोग पुलिस के साथ में जाते हैं वो किसी न किसी के तरीके से उसको बेला पसवा करके निकाल देते हैं। और प्रशासन भी बंद कितनी देर रहेगा? बंद रहेगा जब तक प्रशासन नहीं आएगा, और जब तक उनको नहीं पकड़ेगा बदमाशों को, तब तक हम यही बैठे रहेंगे। सूचना के बाद उदयपुरवाटी थाना अधिकारी गोपाल लाल जांगिड़ पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं घटना का विरोध प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से समझाइश की और ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि 2 महीने में यह दूसरी लूट की बड़ी वारदात है। जब तक जो रात को जो घटना में मुजरिम थे वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक ये धंधा जारी रहेगा। प्रशासन अभी पहुंचा नहीं है क्या? प्रशासन पहुंचा है, प्रशासन गिरफ्तार करो। पहले भी दीपपुरा में ज्वेलरी व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद क्षेत्र में इस तरह की लूट की वारदातें बढ़ गई, लेकिन पुलिस से चोरी और लूट करने वाले अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है, जिसके चलते आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद कर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि जल्द से जल्द, अगर समय रहते शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पोंक के पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी, भगवान सैनी, देवपुरा सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद सैनी, ककराना सरपंच प्रतिनिधि प्रभातीलाल सैनी, जगदीश प्रसाद सैनी, आनंद सिंघानिया, महेश सैनी, विक्रम गुर्जर, किसान यूनियन के अध्यक्ष नाथुराम सैनी, मुकेश कुमावत, महेश सैनी किशोरपुरा, लीलाराम खटाना, पंकज मीणा, सुरेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में अनेक लोग और व्यापारी मौजूद रहे। वहीं सूचना के बाद मौके पर निमका थाना डिप्टी अनुज डाल, थानाधिकारी गोपाल लाल ने मौका मुआयना किया और ग्रामीणों से समझाइश की। साथ ही मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं,